परसेंट चिल्ड्रन गो टू प्राइमरी स्कूल्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में 68% गो टू प्राइमरी स्कूल्स. हु आर रिस्पॉन्सिबल? द इलीट. दिस इज नॉट वन गवर्नमेंट, दिस इज अ सीरीज ऑफ 30 or 40 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. फिर उसके बाद भी, और बेचारे इन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो तो और डिप्राइव्ड हैं. यानी उनको उठाकर, जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उठाकर ले जाते हैं, जब उसका वजन बढ़ने लगता है तो घर छोड़ने लगते हैं, छुपाते हैं, माशरे में उसको लाते नहीं है, क्योंकि दे फील शाय. देयर इज अ टबू इन सोसाइटी. ये शी वॉज इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो लोगों ने कहा कि जी आप टेलीविजन पर छाती का नाम नहीं ले सकते. मैंने कहा फिर बीमारी किसको कहेंगे हम, किस चीज की बीमारी है फिर? ये टाबूज हैं. इसी तरह से माशरे के अंदर जो अफराद बाहम मजदूरी मौजूद हैं, उनको खानदान छुपाता है. तो मैं आपसे कह रहा था, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, दिस इज वेलफेयर है, बट एट द सेम टाइम वी बोथ हैव एन एटीट्यूड कि दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ वेलफेयर, दिस इज अ मैटर ऑफ देयर राइट, दिस इज अ मैटर ऑफ वॉट वी मस्ट डू. इसका चैरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. और जब जॉब्स के लिए इंस्टीट्यूशंस और मल्टीनेशनल से हम बात करते हैं, तो हम उनसे भी यही कहते हैं कि दिस इज नॉट चैरिटी. आप बाई लॉ 2 to 4%, 2 to 5% एम्प्लॉयमेंट है, मगर एक और कसर है, वो जो मैच मेकिंग है, जैसे शादी के अंदर मैच मेकिंग होती है, वो मैच मेकिंग है इज नॉन एग्जिस्टेंट. तो नतीजा क्या है कि जी कंप्यूटर ऑपरेटर लगा दो, उनको जहन में एक ही बात आती है ना, टेलीफोन ऑपरेटर लगा दो, और भी बहुत सारी चीज़ें. यू सी, यू शुड क्रिएट जॉब्स, क्रिएट न्यू जॉब्स टू मैच देयर एबिलिटीज. सोसाइटी इसी को कहते हैं, हमदर्द सोसाइटी इसी को कहते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ रियासत मदीना एक सोसाइटी वेलफेयर की. इतना आपका कुरान भी है कि अल्लाह ताला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि एक साहबी को शायद तुमने निगलेक्ट किया जो नाबीना थे. इमेजिन करें, अल्लाह सुबहानहू ताला की प्रायोरिटीज भी सोच रहे, और उसके साथ साथ कि नबी को उसने, नबी को हिदायत देने का मतलब कि सारी उम्मा को अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि बी कॉन्शियस ऑफ पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन सेंसर्स ओनली. अच्छा जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वेलफेयर इस माना करके, और औरत को तालीम के रास्ते से बाहर, औरत को रोजी के रास्ते से बाहर, औरत को बीवी खतीजा की तरह हुआ जो बिजनेस वूमन, औरत को आइसोलेट किया हुआ है, बच्चियां पढ़ती हैं, डॉक्टर बनती हैं, शादी करके घर चली जाती हैं. व्हाई कांट वी मेक अ सोसाइटी वेलकमिंग देम? तुम बच्चे भी पैदा हों, गिव देम रिलीफ, ब्रिंग देम बैक इनटू वर्किंग. ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है हायर एजुकेशन? और आपके लिए एक फिगर दूं, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए समथिंग टू थिंक अबाउट. ओनली 9% ऑफ आर FSC स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाते हैं. और कंपैरेटिव फिगर्स रीजन के क्या हैं? नो कंट्री इन द रीजन इज लेस देन 22%. बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट लेस देन 20, नन ऑफ देम नॉट लेस देन 22%. हमने वहां भी एक बॉटलनेक, पहले तो नीचे ही बॉटलनेक बना दिया, 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को छोड़कर सारा स्ट्रक्चर बना लिया, औरतों को छोड़कर सारा स्ट्रक्चर बना लिया. और उसके बाद भी हायर एजुकेशन के अंदर भी इतना बारीक पिरामिड बनाया हुआ है कि 9% से ज़्यादा नहीं आते. अब इन लोगों से मैं कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि यार तालीम कैसे आम हो सकती है? ऑनलाइन एजुकेशन करो, इंक्रीज द कैपेसिटी. अगर किसी ग्राहक हो, कोई फैक्ट्री हो उसके पास या दुकान हो, उस वो आकर बड़े फख्र से मुझसे कहे कि जी आज 500 लोग मेरे पास कोई चीज़ लेने आए थे, और महीना भर से और कई सालों से आता है कि रोजाना 500 लोग मेरे पास आते हैं, मैं सिर्फ 100 चीज़ें रखता हूँ. बड़े प्राइड से लोग कहते हैं जी 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, हम सिर्फ 1,000 को एडमिशन दिया. भाई कांट, अगर किसी कमर्शियल साइट पर अगर किसी को पता चले तो वो अपनी दुकान डबल करेगा, अपनी सुबह शाम फैक्ट्री चलाएगा, 24 घंटे फैक्ट्री चलाएगा. एंड वॉट योर कंट्री नीड्स इज नंबर्स. यार 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों के लिए वी नीड नंबर्स, नॉट द फ्यू हु मेक इट. वी नीड द ह्यूज मार्जिन ऑफ पीपल टू मेक इट. खैर, आई डाइग्रेस, बिकॉज मैं इतना परेशान हूँ मुल्क के हालात के एतबार से, और आपके सामने अपनी परेशानी नहीं रखूंगा तो किसके सामने रखूंगा? तो जनाब अली, अब जमाना बदल रहा है. ये दीज आर द लास्ट फ्यू ईयर्स जब आप हमदर्दी के एतबार से सोच कर, अपने वसाइल के एतबार से इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे. ज़माना बदल रहा है. देर आर सेंसर्स हियर,
which will take care of a lot of issues of persons with disabilities. Let me tell you, there is a time which is coming, and you will have to read up to it, warna main bada time zaya kar dunga aapko batane mein, ke today, mera taluk information se...